मुस्लिम लीग यून ने हुकूमत से मुल्क में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कुछ भी हो, हुकूमत रहे या जाए, फौज का किरदार कबूल नहीं। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ने टेस्ट क्रिकेटर से पंगा ले लिया, 25 दिसंबर को सोनामी तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अहमदाबाद कमीशन का इजलास, हुसैन हकानी पेश, अमरीकी इंटेलिजेंस अहलकारों को वीजे जारी करने की तरदीद, कहते हैं अमरीका के सामने उसामा की मौजूदगी के इल्जामात का दिफा किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मेमो केस में कब्र एक है जबकि इदारे दो हैं, इसे नॉन इशू कहने वाले अकल के अंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबात का ऐलान हो गया तो क्या इलेक्शन पुरानी फहरिस्तों पर होगा? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। मेमो केस पाक फौज की लीगल टीम के नुमाइंदों की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, आर्मी चीफ और DGISI के बयान हल्फी कल जमा कराए जाने का इम्कान। और ढाका टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 470 रन बनाकर आउट, बांग्लादेश ने 5 विकेटों पर 114 रन बना लिए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 18 रन दरकार। अस्सलाम वालेकुम, शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं माविश निसार। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से मुल्क में आम इंतखाबात कराने का